नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली की 417 वैकेंसी निकली हुई थी पीएन की, उनके एडमिट कार्ड के बारे में। तो उनके एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, जिनका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होना था। लेकिन दोस्तों, इसमें साथ ही में जिनका एग्ज़ाम का बहुत से बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में भरा था, तो उनका एग्ज़ाम होगा वो 7 मार्च को होगा, और जो एडमिट कार्ड है उनके 3 मार्च को अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप 3 मार्च को अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपनी लॉगिन डिटेल करके दिखा देता हूँ कि जो अभी चेक कर रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अपनी डिटेल थोड़ी हाइड कर देता हूँ। ये आप इनमें सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको 2 भरने हैं, डेट ऑफ बर्थ या मेल आईडी या आप ऑनलाइन नंबर, आप कुछ भी भर के फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब जो गाइडलाइन है, तो इसमें आपको जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है, 3 और 4 इंस्ट्रक्शन है जो, वो आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद जिस तरह मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, 3 और 4 डाउनलोड करने के बाद फिर आपके जो डिक्लेरेशन है इन पे टिक लगा के आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखेगा इन रेड लाइन की, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, जो मेल आईडी है, वो इनकोरेक्ट है, तो काइंडली फिल कोरेक्ट डिटेल्स। दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपका एडमिट कार्ड लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपका एडमिट कार्ड 3 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। जब आप 3 तारीख को देखोगे तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों अब मैसेज भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जिनके 7 मार्च का एग्ज़ाम है। मैं आपको वो मैसेज भी दिखा देता हूँ जो दिल्ली कोर्ट ने भेजा है, हजारीबाड़ी ने। वो मैसेज ये है, डियर कैंडिडेट, यूर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ पीएन ऑर्डिनरी इज शेड्यूल ऑन 7 मार्च एट दिल्ली, न्यू दिल्ली। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 3 मार्च से अवेलेबल होंगे। अगर दोस्तों किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि 3 तारीख के बाद भी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।